सुप्रीम कोर्ट की ओर से एससी एसटी वर्ग के आरक्षण वर्गीकरण को लेकर दिए गए फैसले के विरोध में आज विभिन्न संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसके चलते बुहाना में सूरजगढ़ मोड़ से एसटीएम कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए रैली निकाली, जहां एसटीएम हेमंत कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। वक्ताओं ने कहा कि आरक्षण में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है और भारत बंद में पूर्ण समर्थन देने का आह्वान किया। इधर भारत बंद का बुहाना बाजार में बेअसर दिखाई दिया, आम दिनों की तरह दुकानें खुली रही। हालांकि भारत बंद के आह्वान के कारण गांव से लोग बाजार नहीं आए, ऐसे में दुकानों में ग्राहकों की संख्या काफी कम नजर आई। वहीं एससी एसटी वर्ग के अधिकारों के समर्थन में अनेक संगठनों ने एकजुटता दिखाई। सूरजगढ़ मोड़ से एक रैली शुरू की, जो एसटीएम कार्यालय पहुंची, जहां एसटीएम को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से कस्तूर वर्मा के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किया गया। हम सभी यहाँ खड़े हैं, तो मैं जनता से आह्वान करती हूँ कि इस भारत बंद के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुँचे और यहाँ समर्थन दें, और जो जाति में जाति का भेदभाव कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना है उसके विरुद्ध आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना है उसको वापिस ले और जनता की सुने और जनता की माने। का संघर्ष अधूरा है। राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि देश की अगर सड़कें सुनी होंगी तो पार्लियामेंट आवारा हो जाएगी, और आज पूर्ण रूप से आवारा है। अम्बेडकर ने कहा था 1956 में कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। शिक्षित तो हो गए, और जो शिक्षित हुए वो राजसत्ता की गुलामी में लगे हुए हैं। एससी एसटी ओबीसी के जितने भी शिक्षित हुए, जो अफसर बने, नेता बने, वो सब इनके मनुवादियों की चमचागिरी में लगे हुए हैं। इसके सिवा इस देश में कुछ नहीं हो रहा। इनकलाब जिंदाबाद।